राघविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद में भी कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। अहमदाबाद की बात करें तो कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर एक बड़ा फैसला यहां लिया गया है। रात का कर्फ्यू यहां पर लगा जाएगा। 9 बजे रात से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यानी एक बार फिर से ये कहें कि कदम पीछे किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा पूरी तरह से अब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बाद अलग अलग फेजेस आए और उस दौरान फिर एक वक्त ये आया था जब लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा था, कुछ घंटों की ढील ली जा रही थी, फिर रात में कर्फ्यू लगाया गया। अब चूंकि लगातार त्योहारी सीजन बीत जाने के बाद एक तरह से कहें कि कोरोना का विस्फोट हो गया है, तो अहमदाबाद में बड़ा महत्वपूर्ण कदम कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए लिया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। और अब जिस तरह से अहमदाबाद में फैसला लिया है तो कोई अचरज और आश्चर्य वाली बात नहीं कि आगे चलकर उन राज्यों में, उन शहरों में जहां कोरोना की मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, वहां पर भी कुछ इसी तरह के एहतियाती और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो सरकार लगातार उस नारे पर चल रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो जब तक दवाई नहीं आ जाती है तब तक नियमों के साथ रहना है, नियमों का, पाबंदियों का पालन करना है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कल से 20 नवंबर से हम रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अहमदाबाद सिटी में लगाएंगे और जब तक ये संक्रमण की परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी और जब तक ये बिल्कुल कम नहीं होगा तब तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। और उस वक्त जब देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले कम हुए हैं, दिल्ली उन राज्यों में शुमार है जहां पिछले 15 दिनों में 1 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी इस वक्त कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को झेल रहा है। ये सतर्क करने वाली लेकिन डराने वाली खबर है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। मरीजों को कहां रखा जाए ये समझ में ही नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 7,486 मरीज आ चुके हैं। 131 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में ही हो गई है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है, जबकि पूरे देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 8% से भी कम है। दिल्ली के संदर्भ में दुख की बात यह है कि सारे देश में, यानी जो बड़े बड़े प्रांत थे जहां लगातार कहर जैसा होता है ना जी, वो देखने को मिलता था कोविड का, केसेस का, डेथ्स का, वहाँ पर भी हमारी जो स्थिति है वो डिक्लाइन की ओर है। देश में लगभग अधिकांश स्थानों पर वो स्थिति है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 8,000 तक रोज के केसेस आ रहे हैं, जो शायद पूरे इस 10-11 महीने के जो कालखंड में सबसे ज़्यादा होंगे। दिल्ली में कोरोना के हालात पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से भी हमने बात की। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं उसके हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं या अब शादियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में जो हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है ये लोगों ने छोड़ दिया है। और ये ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी इवेंट एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन करने या ना करने के बीच में उलझी दिल्ली सरकार फिलहाल बेड्स की कमी की भरपाई में जुटी। अभी यहाँ पे DDU के डॉक्टर से और मेडिकल डायरेक्टर से बात हुई और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के डॉक्टर्स ICU बेड्स, अभी फिलहाल 50 ICU बेड्स यहाँ पे कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं
उसे बढ़ा के वो 100 ICU बेड्स करने के लिए तैयार हो गए हैं। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मंडे शाम तक 250 बेड्स आ जाएंगे और ट्यूसडे शाम तक और 250 बेड्स आ जाएंगे, 500 बेड्स वेंटिलेटर के साथ और 250 बेड्स नॉन वेंटिलेटर के उन्होंने 750 कहे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 2 हफ्ते पहले दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, लेकिन फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने काम के नाम पर मास्क न लगाने का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया।